हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे एम टेक पेन। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्फिनिक्स 08 मोबाइल के साथ कंपेयर करेंगे पोको X3 मोबाइल के बीच में। दोस्तों, इन्फिनिक्स 08 मोबाइल जो है आपको कुछ दिन बाद आपको इंडियन मार्केट में दिखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोनों मोबाइल के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे कौन सा मोबाइल किस मार्केट प्राइस में आपको ज़्यादा बेस्ट फीचर्स दे रहा है। दोस्तों, अगर इन दोनों स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और भाई का यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बज देना। सो दोस्तों, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। ओके दोस्तों, पहले बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बॉडी टाइप की। तो कंपनी जो है इन्फिनिक्स 08 मोबाइल और पोको X3 मोबाइल में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ मिलेगा। कंपनी जो है कोई भी स्मार्टफोन में ग्लास बॉडी यूज़ नहीं किया है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से इन दोनों स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है आपको उतना अच्छा नहीं दिखने को मिलेगा मार्केट प्राइस के हिसाब से। और दोस्तों, वेट एंड थिकनेस के बारे में बात करें तो इन्फिनिक्स 08 मोबाइल आपको 9.1 mm थिकनेस के साथ मिलेगा और पोको X3 मोबाइल आपको 10.1 mm थिकनेस के साथ मिलेगा, जो कि पोको X3 मोबाइल आपको बहुत ही मोटा स्मार्टफोन मिलेगा इन्फिनिक्स 08 मोबाइल से। और इन्फिनिक्स 08 मोबाइल की जो वेट है आपको 205 ग्राम में मिलेगा और पोको X3 मोबाइल की जो वेट है आपको 225 ग्राम में मिलेगा। पोको X3 मोबाइल आपको बहुत ही भारी फ़ोन मिलेगा इन्फिनिक्स 08 मोबाइल से। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी की। तो कंपनी ने इन्फिनिक्स 08 मोबाइल 4500 mAh बैटरी के साथ 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया है और पोको X3 मोबाइल में आपको 6000 mAh बैटरी के साथ आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा। तो बैटरी क्वालिटी के बारे में बात करो तो आपको पोको X3 मोबाइल में आपको बहुत ही पावरफुल बैटरी क्वालिटी दिखने को मिलेगा इन्फिनिक्स 08 मोबाइल से। और दोस्तों, डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में बात करो तो इन्फिनिक्स 08 मोबाइल में कंपनी ने अभी कंफर्म नहीं किया है इस मोबाइल में आपको डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं, जो कि पोको X3 मोबाइल में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिलेगा। तो डिस्प्ले प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको पोको X3 मोबाइल में बेटर दिखने को मिलेगा इन्फिनिक्स 08 मोबाइल से। चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले टाइप एंड साइज़ की। तो कंपनी ने इन्फिनिक्स 08 मोबाइल 6.85 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ आपको दिया है, जो कि पोको X3 मोबाइल आपको 6.67 इंच फुल HD प्लस IPS LCD सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ आपको मिलेगा, जो कि डिस्प्ले साइज़ यहां पर आपको पोको X3 मोबाइल में आपको थोड़ा छोटा मिलेगा। एंड डिस्प्ले की जो डिज़ाइन एंड डिस्प्ले की क्वालिटी मेरे ख्याल से इन दोनों स्मार्टफोन में नो डाउट आपको बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। चलो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की। तो इन्फिनिक्स 08 मोबाइल में आपको मीडियाटेक हीलो G90T का आपको चिपसेट मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर में बेस है और चिपसेट ऑक्टाकोर 2 GHz में क्लॉक्ड है। पोको X3 मोबाइल में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का आपको चिपसेट मिलेगा, जो कि 8 नैनोमीटर में बेस है और चिपसेट ऑक्टाकोर 2.3 GHz में क्लॉक्ड है। गेमिंग के प्रोसेसर आपको नो डाउट इन दोनों स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छा दिया है कंपनी ने, जो कि मोबाइल की अपडेट के प्रोसेसर बारे में बात करें तो आपको बहुत ही फास्ट आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आपको अपडेट देगा। और दोस्तों, बात करते हैं ओपनिंग सिस्टम एंड GPU की। तो कंपनी ने इन्फिनिक्स 08 मोबाइल में एंड्रॉयड 10 के साथ माली G76 MC4 का आपको GPU दिया है और पोको X3 मोबाइल में आपको एंड्रॉयड 10 के साथ एड्रीनो 618 GPU के साथ आपको मिलेगा। गेमिंग की परफॉर्मेंस एंड गेमिंग की जो ग्राफिक है आपको नो डाउट इन दोनों स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छा आपको दिखने को मिल जाएगा। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं रियर कैमरा की। तो कंपनी जो है इन्फिनिक्स 08 मोबाइल 64 MP 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP का एक क्वाड रियर कैमरे के साथ दिया है और पोको X3 मोबाइल आपको 64 MP प्लस 13 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP का एक क्वाड रियर कैमरे के साथ दिया है। तो दोस्तों, रियर कैमरा मेरे ख्याल से इन दोनों स्मार्टफोन की जो है आपको नो डाउट बहुत ही आपको बेहतर दिखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स 08 मोबाइल में 48 MP प्लस 8 MP का डुअल सेल्फी कैमरा मिलेगा और पोको X3 मोबाइल आपको 20 MP का सेल्फी कैमरे के साथ मिलेगा। तो सेल्फी कैमरा दोस्तों, मेरे ख्याल से पोको X3 मोबाइल से आपको कई गुना बेटर आपको दिखने को मिलेगा इन्फिनिक्स 08 मोबाइल में। चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रैम और स्टोरेज की। तो कंपनी ने इन्फिनिक्स 08 मोबाइल 6 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज के साथ दिया है और आपको 8 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज मिलेगा इस मोबाइल में, जो कि पोको X3 मोबाइल आपको 6 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज और एक आपको 6 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज के साथ आपको मिलेगा और एक आपको 8 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा इस मोबाइल में। दोस्तों, सिम स्लॉट के बारे में बात करें तो कंपनी जो है इन्फिनिक्स 08 मोबाइल डुअल सिम के साथ दिया है और आपको पोको X3 मोबाइल में डुअल सिम के साथ मिलेगा और इन दोनों स्मार्टफोन में आपको SD कार्ड लगाने का सपोर्ट भी देखने को
मिल जाएगा। दोस्तों मॉल के कलर्स वेरिएंट के बारे में बात करो तो आपको इन्फिनिक्स 08 मॉल आपको सिल्वर डायमंड एंड ब्लैक डायमंड एंड ग्रीन डायमंड कलर के साथ आपको मिलेगा। पोको X3 मॉल आपको ग्रे एंड ब्लू कलर के साथ मिलेगा। कलर की जो वेरिएंट है आपको नो डाउट बहुत ही अच्छा दिखने को मिलेगा इन दोनों स्मार्टफोन में। कलर की जो डिजाइन है यहाँ पर आपको बैक साइड में इन्फिनिक्स 08 मॉडल में आपको थोड़ा बेटर दिखने को मिलेगा। सिम स्लॉट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और इन दोनों स्मार्टफोन में आपको A1 फेस अनलॉक का फीचर्स भी दिखने को मिलेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं मार्केट प्राइस की तो इन्फिनिक्स 08 मॉडल और पोको X3 मॉडल आपको अंडर 17,000 में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना आपको अंडर 17,000 में कौन से स्मार्टफोन की फीचर्स आपको ज़्यादा बेटर लगा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।